हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 7B, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन निकालना है और ये हमारा आरएस सवाल का सॉल्यूशन होगा। तो इसमें 7B में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 7A का जो पूरा क्वेश्चन है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 7B में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 36। ये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 36 के जगह पे, 36 के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 × 6, क्योंकि 6 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 होगा और ये हमें सोचना पड़ेगा। या फिर जब इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 36 को 2, 18, 2, 9, 3, 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, और जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, यानी 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा हमारा 36। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए तो इसका मतलब दो को या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला हो गया जिसको याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ जो x है इसको हम a ले लेंगे और जो यहाँ y है इसको हम b मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इस फॉर्मूले पर अप्लाई हो रहा है, तो इसका रिजल्ट होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a की जगह पे जो है हमारा x है प्लस b की जगह पे 6 है। अगेन फिर से a की जगह पे x है और b की जगह पे 6 है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, 4a² - 9, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 a² और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a² - 3 का स्क्वायर। अगेन फिर से ये इसी फार्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हो गया। तो इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी, और फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ए प्लस बी पहले बोल रहा है यानी 2a + 3 और ए माइनस बी यानी 2a - 3, यही हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, 81 - 49 x², तो 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है यानी इसको हम सकते हैं 9 × 9 और 49 7 का यानी 7 × 7 x². जब ये आपको निकालने नहीं है तो आप इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा। तो 9 × 9 को हम सकते हैं 9 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर x² यानी ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर - 7 x². अगेन ये जो है हमारा इसी फार्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस फार्मूले पे बैठाने के लिए हम इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी पहले ए माइनस बी, यानी 9 + 7x और 9 - 7x, यही हमारा रिजल्ट होगा। आप इस तीनों को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - 3y² यानी फार्मूला वही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी यानी 2x + 3y ए माइनस बी 2x - 3y, यही हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 16a² - 225b², तो 16 के जब ले सकते हैं 4 × 4 a² - 15 × 15b², इसको ले सकते हैं, तो 4 यानी इसको हम ले सकते हैं 4² a² - 15² b² या 4a² - 15b² अगेन ये हमारा फिर से इस फॉर्मूले पे आ गया, a² - b² = a + b a - b, तो इसको a कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा b, यानी यहाँ से हो जाएगा 4a + 15b एंड 4a - 15b। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो डायरेक्टली है, इसको हम a कर लेते हैं, ये b कर लेते हैं,
फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहले प्लस, तो 3ab प्लस 5 एंड 3ab माइनस 5, यही हमारा आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 16a स्क्वायर माइनस 144, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 16a स्क्वायर, 16 के जब ले सकते हैं 4 इंटू 4 ए स्क्वायर, और 144 को हम ले सकते हैं 12 इंटू 12, चूँकि जब 12 में 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 144। तो इसको हम ले सकते हैं 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, या इसको ले सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब फिर से वही फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, यानी a प्लस बी तो हो जाएगा 4a प्लस 12 एंड 4a माइनस 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, यानी 63 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9 ए स्क्वायर, चूँकि 7 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 63 ही हो जाएगा। अगेन 112 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 16 बी स्क्वायर, चूँकि 16 7 ज़ा 112 होता है। अब यहाँ से 7 और 7 दोनों मैच कर रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। तो इसको हम ले सकते हैं 7, 9 को ले सकते हैं 3 इंटू 3 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 7, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको ले सकते हैं 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 7 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अगेन फिर से हमारा यही फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 7, पहले बोला ए प्लस बी, यानी 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, तो इसको हम ले सकते हैं 5 इंटू 4 ए स्क्वायर, चूँकि 5 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ले सकते हैं 5 इंटू 9 बी स्क्वायर, 5 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 45 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 और 5 मिल रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, यानी बचेगा मेरे पास क्या, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, यहाँ पे ले सकते हैं 5 और 4 को ले सकते हैं 2 इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बी स्क्वायर, 5 ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 टू ए का होल स्क्वायर माइनस 3 बी का होल स्क्वायर, ये भी हमारा सेम वही फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 2 ए प्लस 3 बी एंड 5 टू ए माइनस 3 बी, यही हमारा आंसर होगा, आप इस तीनों को एक बार नोट डाउन कर लें। अब देखें 10 नंबर क्वेश्चन, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 27, तो इसको हम ले सकते हैं 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 27 को ले सकते हैं 3 इंटू 9, चूँकि 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 27 की जगह 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, तो 3 बाहर लेते हैं, यानी बचेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम ले सकते हैं 3 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, यानी इसको ले सकते हैं 3 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अगेन फिर से हमारा वही फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले पे यदि हम बैठाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ए के जब है 2x प्लस बी के जब है 3 एंड अगेन 2x माइनस 3, यही हमारा
इसका रिजल्ट होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।